स्पॉन्जेस वाटर कैनल सिस्टम, स्पॉन्जेस वाटर कैनल सिस्टम होता है, स्पॉन्जेस की बॉडी बना के रखी है, स्पॉन्ज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्या होते हैं पोर्स, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं ओस्टिया, ठीक है। अब ओस्टिया के थ्रू पानी इंटर करेगा, तो मैंने वाटर दिखाया, ठीक है, किसके थ्रू इंटर कर रहा है, ओस्टिया के थ्रू। अब ओस्टिया से पानी होता हुआ बॉडी के अंदर जाएगा, स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर जाएगा, उस बॉडी के अंदर की बात करें वहाँ कैविटी मौजूद होती है, उस कैविटी क्या बोलते हैं स्पॉन्जो सील, सील का मतलब कैविटी, स्पॉन्जो सील की इनर लाइनिंग में बहुत सारी सेल्स मौजूद होती हैं, उन सेल्स का नाम क्या होता है कोनोसाइट सेल्स या कोलर सेल बोलते हैं, ठीक है। अब इन कोनोसाइट या कोलर सेल का फंक्शन क्या होता है कि पानी के साथ आपका फूड आ रहा था उसको कैप्चर करना और इसके अलावा पानी को बाहर निकालने में भी हेल्प करना, ठीक है। अब आया पानी किसे ओस्टिया थ्रू आया स्पॉन्जो सील में आ गया और यहाँ से साइड से क्या फूड मटेरियल उठा लिया और भी फंक्शन होना हो गए, यहीं पर क्या फंक्शन हो सकते हैं एक्सक्रीशन हो सकता है, क्या हो सकता है एक्सक्रीशन हो सकता है, बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जा रहा है, रेस्पिरेटरी हो गया, O2 CO2 एक्सचेंज हो गया और फूड लेके आया, ठीक है। अब क्या होगा पानी का काम खत्म, अब क्या करें पानी को बाहर निकालना है बॉडी से, बॉडी से बाहर